मैं निवेदन करूंगा सभी जिंदा जागरूकों अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट और मानवतावादी समतावादी विज्ञानवादी लोगों से संविधानवादी लोगों से कि वो सामाजिक आंदोलन की लड़ाई धार्मिक आंदोलन की लड़ाई आर्थिक आंदोलन की लड़ाई को धीमा ना करें वह लगातार गति प्रदान करते रहें। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन बहुत दिनों बाद आज आपके बीच में एक संदेश देने आया हूं। पूरा भारत पिछले 3 महीनों से चुनाव में था। सबने अपने अपने मनोयोग से अपने विवेक से वोट किया, परिणाम आपके सामने है। लेकिन आज मैं उन सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और जो युद्ध क्षेत्र में रनर रहे जिनका सेकेंड स्थान थर्ड स्थान रहा उन लोगों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं देता हूं कि वो साहस ना छोड़े हिम्मत ना हारें। आज नहीं कल वो इसी युद्ध क्षेत्र में विजयी होंगे और देश की सेवा करने का आपको भी मौका मिलेगा। मैं आज एक निवेदन करने के लिए आप लोगों से आया हूं। महापुरुषों ने कहा है कि सत्ता परिवर्तन होता रहता है लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की जो सोच रखता है वह है देश भारत में हक वंचित असहाय कमजोर और जीवी समाज को जिंदा कर सकता है। आज मैं निवेदन करता हूं, सरकारें बहुत बार बदली, सरकारें बहुत बार मिली, सरकारें बहुत बार चली गई, लेकिन जो नेता जो आइडियोलॉजी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है देश भारत के विज्ञानवादी तर्कवादी और मानववादी लोगों को उनके साथ खड़े रहना चाहिए। आज मैं निवेदन करता हूं, कोई बात नहीं है हार से हतोत्साहित ना हो, जीत से बहुत ज्यादा खुशी ना मनाएं क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। आज के 2500 वर्ष पहले तथागत भगवान बुद्ध ने कहा था कि संसार परिवर्तनशील है, यहां सब कुछ बदल रहा है। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि कुछ भी यहां परमानेंट नहीं है, न राजनीति में परमानेंट है, न देश में परमानेंट है, न समाज में कुछ परमानेंट है, सब कुछ बदल रहा है। मैं निवेदन करूंगा सभी जिंदा जागरूकों अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट और मानवतावादी समतावादी विज्ञानवादी लोगों से संविधानवादी लोगों से कि वो सामाजिक आंदोलन की लड़ाई धार्मिक आंदोलन की लड़ाई आर्थिक आंदोलन की लड़ाई को धीमा ना करें वह लगातार गति प्रदान करते रहें। जो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो मुखर होकर के समाज को बहुजन मैत्री की तरफ ले जा रहे हैं उनका साथ देते रहें। परिणाम आपके सामने हैं, कुछ लोग खुश हैं कुछ लोग दुखी हैं लेकिन मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दुख और सुख से मैं बहुत ऊपर चला गया हूं। मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग रनर रह गए हैं हार गए हैं वो लोग हिम्मत ना तोड़ें साहस ना छोड़ें और आगे संघर्ष करने के लिए जनता के बीच बने रहें, फिर मौका 5 साल बाद उनको मिलेगा और वो जीत करके देश की सेवा करेंगे। एक ही निवेदन है, मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग एमपी एमएलए बने, बहुत सारे लोगों को सत्ता मिली लेकिन सत्ता पाकर के वरपति हुए, उन्होंने अपनी संतानों को लंदन में पढ़ाया लेकिन भारत आज भी गरीब है निरीह है कमजोर है असहाय है, यहां बेरोजगारी है, यहां असमानता है, जातिवाद है, छुआछूत है, यहां हिंसा है, इससे मुक्त करने के लिए उन लोगों ने कितना काम किया। याद रखना इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो ये जरूर उसमें लिखा जाएगा कि आपको सत्ता मिली आपको मौका मिला आपने हक वंचित असहाय कमजोर लोगों के भले के लिए कौन सा काम किया। मैं चाहता हूं कि जो लोग जीत गए हैं सत्ता उन्हें मिल गई है पावर उन्हें मिल गया है वो हक वंचित समाज की सेवा करते रहें और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ें। सत्ता परिवर्तन को मैं बहुत महत्व नहीं देता, मैं महत्व देता हूं व्यवस्था परिवर्तन को। जब तक भारत की व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी तब तक हक वंचित असहाय कमजोर लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। हिस्सेदारी उन्हें तभी मिलेगी जब ऐसी वो सोच रखेंगे। और याद रखना बुद्ध अशोक फुले साहू अंबेडकर की विचारधारा हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ाएंगे और इस भारत को बुद्धमय संविधान का भारत और समृद्ध भारत बनाने की तरफ लेके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं।